भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांकडून काँग्रेसच्या गॅरंटीची पोलखोल करण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक मधल्या नेत्यांनी काँग्रेसचे दावे फेटाळले. हिमाचलमध्ये 125 युनिट वीज मोफत होती, ती काँग्रेसनं बंद केली असं अनुराग ठाकूर यांनी म्हटलंय. तेलंगणातील 40% शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी मिळाली नाही असं रेड्डींचं म्हणणं आहे. कर्नाटकमध्ये 10% बस धावत आहेत असं शोभा करंदाचे यांनी म्हटलेलं आहे. तेलंगणा में काँग्रेस ने 420, अब 420 और काँग्रेस साथ में बहुत अच्छा जुड़ता है. दूसरा, काँग्रेस का हाथ कर्नाटक के लोगों की जेब में जेब कतरने का काम कैसे कर रहा है भी आपने देखा. हमने आप बीती सुनाई है कि हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक के लोग ठगे गए हैं. महाराष्ट्र की जनता कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की तरह कांग्रेस के हाथों ठगी ना जाए. ये झूठे वादे, झूठे दावे करने वाली कांग्रेस, इससे बचना है. एक साल से बोल रहे इलेक्शन से पहले कोई भी किसान बैंकों को पैसे नहीं भरना है. नंबर वन, अगर कोई भरे आज जाकर बैंक से 2-2 लाख रुपए कर्जा नया लीजिए, मैं 7 को वोट लेऊंगा. दिसंबर 9 को सोनिया गांधी का जन्मतिथि पर सबका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करूंगा. लगभग अभी भी 40% किसान, 2 दिन का वादा, 1 साल होने वाला है, अभी 40% का किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है. कर्नाटक का पूरा का पूरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नुकसान में आ गए. कितना नुकसान? हर महीने 100 करोड़ का नुकसान हर कंपनी को होता है. इसके लिए क्या किया है? रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बस को बंद किया. अभी केवल 10% बस चल रही है. बस से रिपेयरिंग को पैसा नहीं, डीजल डालने को पैसा नहीं, बस से ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं.